अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम वीडियो न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, क्राइम वीडियो न्यूज, हैदराबाद। आसिफ नगर पुलिस ने इलाज के नाम पर लाखों रुपया लूटने वाले एक धोखेबाज को किया गिरफ्तार। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसिफ नगर पुलिस ने एक शातिर धोखेबाज को किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सैयद अकोट गौरी अलियास सैयद मुदस्सिर 35 साल अफजल नगर मलकपेट का रहने वाला इसको गिरफ्तार किया। सैयद रेजवी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि किस तरह से ये करीब 80 लाख रुपए इनसे लूट चुका था। हुआ यूं था कि रेजवी के एक लड़के की तबीयत ज्यादातर खराब होती थी, जिसकी वजह से ये दरगाहें फिरा करते थे। वैसे एक दरगाह में इस शातिर धोखेबाज से मुलाकात हुई। इसने कहा कि मैं आपके बेटे को सही कर सकता हूं। के बाद मुख्तलिफ दवाओं के तौर पे कुछ सामान दिया और अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर बताने लगा। कहीं पे 10 लाख, कहीं पे 3 लाख, ऐसा कुछ कुछ रुपये लेते रहा, कुछ चकों के तौर पे या कुछ नेट अमाउंट। बहरहाल करीब 80 लाख रुपए इनसे ले चुका था। जब ये परेशान होने लगे तो घर में इनके दूसरे बेटे भी पूछने लगे कि क्या बात है, क्योंकि इस काम में इनकी बीवी और ये दोनों भी ये रुपये दिया करते थे। जब इन्होंने अपने बेटों को ये सारे तफसीलात बताई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आसिफ नगर पुलिस ने इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर लू की सदारत में ये काम को शुरू किया। और कुछ दिन पहले इसकी गैंग को तो गिरफ्तार किया था, लेकिन ये फरार में था। आज इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर पता चला के इनसे लिए हुए रकम, इनसे लिया हुआ पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया, जैसे कि प्राइवेट फाइनेंस देना, कारें खरीदना, जमीन खरीदना, ऐसे शौक पूरे किया। नाजरीन, ऐसे लोग आपके भी दरमियान रहेंगे और आपको पूरी तरह से इस तरह से मजबूर करेंगे कि आप उन पर भरोसा कर सके, उसके बाद आपको धोखा देंगे। ऐसे लोगों से महफूज रहे, क्योंकि आसिफ नगर ACP मोहम्मद गौस मोहुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों से होशियार रहे, महफूज रहे, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो पुलिस में तला दे, ताकि पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। बहरहाल आज उसको अदालती तहवील में दे दिया। मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। उनको कंप्लेंट फाइल करें, वन ऑफ दी हामिल चीट करा देंगे, चीट करा और 70 लाख रुपीस उनके पास से चीट करके उनको उनके बच्चों को हामिल के नाम पे चीट करा। तो उस पर एक कंप्लेंट पे पुलिस से केस रजिस्टर करा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में। उसके बाद यार इंक्वायरी, उसने इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करा तो ये जो अखर गोरी यू नो नेटिव ऑफ मदर डिस्ट्रिक्ट है, मकराजपेट विलेज का है। अभी प्रेजेंटली यू नो डिसाइडिंग बेट मलकपेट में रहता है। इसका काम क्या है बोलते तो एक्चुअली बेसिकली इल हेल्थ है। लास्ट 3-4 ईयर इसको इल हेल्थ हुआ था। मरने के लिए बीदर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाके वहाँ पे 2-3 साल वहाँ पे दरगाह में था, खालिद से दरगाह के वहाँ 2-3 साल में थोड़ा वहाँ रहते रहते छोटा बहुत हामिल काम सीख लिया। वहाँ से उन्हें यहाँ आने के बाद एक दिन ये नारापल्ली पल के करीब धक्के से वहाँ पे रेगुलर इन दरगाह फिरते रहता इधर उधर। तो ये जो कॉम्प्लेंट है रजा रजवी इन्होंने वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इसे कांटेक्ट हुआ, पहचाना थी। होने के बाद इन्होंने बोला हमारे उनको क्या है 3 सन्स है, उसमें फर्स्ट ईयर एक बड़ा बेटा और छोटे बेटे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और बच्चा थोड़ा पढ़े में डिस्कंटिन्यू करें, तो अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए। तो इन्हों हम मैं अच्छा करता बोल के हामिल के नाम पे तो इन्हों थोड़ा पानी दम करके दिया। उसके बाद नेचुरली अच्छा काम करता हूँ बोल के आपके बच्चों का हायर स्टडी एजुकेशन अच्छा होता बोल के उनको चीट करते हुए ऑलमोस्ट ऑल एक मरता नारापल्ली बुलाया, एक मरता गजवेल बुलाया, एक मरता तूफान बुलाया, एक मरता यहाँ पे तोली चौकी बुलाया, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस पे बुला के और कभी चेक से लिया इनके पास से और कभी बैंक्स में अमाउंट करा लिया। ऐसा टोटली इनके जो ओनली पर टू डिसीव दी इनको डिसीव करके ऑलमोस्ट ऑल 70 लाख रुपीज इनके पास ले लिया। जब उनको
घर में है और घर में बच्चे तबियत भी ठीक नहीं है और ये पैसे भी चले गए, तो घर वाले पूछे भाई तुम सड़न मूड ऑफ है क्या, घर में क्यों इतना पैसे क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा घर में, इनकी बीवी को भी मालूम है, बीवी दोनों मिलके ये पूरा वो चल रहा, बच्चों को भी नहीं मालूम घर में ऐसा हो रहा। लास्ट में लास्ट से बच्चे बोले वाह क्या हुआ, बोले फिर बच्चे बोले जब इन्होंने बच्चों को रिवील करा भाई ऐसा ऐसा एक आदमी है उन्होंने मेरे कितने पैसे चीट करा है ऐसा ना बोले, तो जब पुलिस स्टेशन का कॉम्प्लेन करे तो वी आर इन्वेस्टिगेट है उसमें, बाद में से हम ये मेरे क्या है A2 A3 जो बैंक अकाउंट है उसके पैसे जो भी पैसे अकाउंट्स में उनके अकाउंट्स में डाला और A3 को भी जो पैसे जाके ले गया था इनके पास जो काम करते उन लोगों दोनों को हम ऑलरेडी अरेस्ट करे, लेकिन ये वन इन्होंने नहीं मिला वो दिन से। ₹70 lakhs उनके बाहर से चीट करके उनको उनके बच्चों को आमिल के नाम पे चीट करा, तो उस पर एक कॉम्प्लेंट पे पुलिस केस रजिस्टर करा आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में, उसके बाद वी आर इंक्वायर उसमें इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करा तो ये जो अखर गोरी यू नो नेटिव ऑफ मेदक डिस्ट्रिक्ट है मकराजपेट विलेज का है, अभी प्रेजेंटली डिसाइडिंग मदकपेट में रहता हूँ। इसका काम क्या है बोले तो एक्चुअली ये बेसिकली इल हेल्थ है, लास्ट 3-4 years इल हेल्थ हुआ था, मरने के लिए बीदर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाके वहाँ पे 2-3 साल वहाँ पे दरगाह में खादिम से दरगाह 2-3 साल में थोड़ा रहते रहते छोटा बहुत हामिल काम सीख लिया, वहाँ से उन्हें आने के बाद एक दिन ये नारापल्ली पल के करीब धक्के से वहाँ पे रेगुलर इन दरगाह फिरते रहता इधर उधर, तो ये जो कॉम्प्लेंट है रजा रजवी इन्होंने वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इसे कांटेक्ट हुआ पहचाना थी, होने के बाद इन्होंने बोला हमारे उनको क्या है 3 sons है उसमें फर्स्ट ईयर एक बड़ा बेटा और छोटे बेटे की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और बच्चा थोड़ा पढ़ाई में डिस्कंटिन्यू करे, तो अपने अपने प्रॉब्लम्स बताए तो हम मैं अच्छा करता बोल के सच की तलाश का नाम आपका अपना क्रांति न्यूज़।